फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अगेन चौहान कोचिंग क्लासेस डुगक. माय स्पेशल ब्लेसेस एंड थैंक्स टू आवर स्पेशल टीचर मिस्टर अमित सर हुज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी पॉपुलर इन होल वेल्थ फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट. एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल द स्टूडेंट्स टू हैव अ बिग हैंड्स फॉर अमित सर. Director Mr. Anish Rajput, who gives us precious time to show talent in front of videography. This is Neha Kartal here. We all gathered here to discuss about a special topics of some students like Anil Kumar, Sahil Kumar, Arpit Kotwal, Simran Sharma, and finally they are going to express their views. Ki todna hai har pinjra, meri udaan abhi baki hai. कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिले जमी भर नहीं और आसमां अभी बाकी है. अनिल कुमार हु वाज गोइंग टू एक्सप्रेस अ ब्यूटीफुल टॉपिक अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर टू हैव अ बिग हेड फॉर हिम. चौहान कोचिंग क्लासेस. आई एम अनिल एंड आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट वाज गिवन बाय द वाल्टर एच शॉर्ट की 1930s डिफेक्ट. The anions and cations are missing from the crystal lattice in the same proportion. One of positive, one A positive ion and one B negative ion occurs in the highly coordinated compounds. And the ions in which the difference between the cation and cesium chloride, two ions from the crystal and there causes a hole in the crystal. And due to this, the density of the crystal is crystal lower. आई होप ये टॉपिक अच्छा लगा आपको. नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Right, Mr. Sahil Kotwal, please welcome. Have a big hand for him. This is Sahil here. And my topic is about Frankel effect, discovered in Russian scientist Frankel in 1926. When an ion missing from its normal point, special size, between the equal number of cations and anions are missing. Coordination number is low. टॉपिक भी काफी अच्छा रहा तो आप लोगों को ये सुनकर अच्छा लगा होगा. स्पष्ट है जो कुछ कर नहीं सकते वो सलाह देते हैं. जो कुछ कर नहीं सकते वो सलाह देते हैं और जो मेहनत करते हैं वो दुनिया हिला देते हैं. आने वाली है मिस सिमरन शर्मा तो इनके स्वागत में दमदार तालियां तो बनती है. Thanks, Ms. Neha Kartal, and special thanks to Amit sir. This is Simran Sharma here, and my topic is about magnetic properties of substance potassium. Those substances which are repelled by the external magnetic field are called diamagnetic substance. For example, extra. Second, paramagnetic substance. Those substances which are attracted by the external magnetic field are called paramagnetic substance. For example, iron, nickel, extra. Paramagnetic substance. Those substances which show permanent in the absence of external magnetic field. For example, iron, nickel. Thanks to Mr. Simran Sharma. सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को. सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को. सफल बनाना है हमें एक दिन अपने आप को. अब टर्न है स्माइल शर्मा की. सो बिग हैंड्स फॉर स्माइल शर्मा. सो कम ऑन द स्टेज एंड एक्सप्रेस योर टॉपिक. थैंक्स नेहा कार्टल एंड स्पेशल थैंक्स टू अमल शर्मा हियर एंड माय टॉपिक अबाउट सॉलिड्स. डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम उसे कहते हैं सॉलिड. सॉलिड्स की दो टाइप्स है, क्रिस्टलाइट और अमॉर्फस. और सेकंड उसका होता है जो उसकी रेंज है वो शॉर्ट भी होती है और लॉन्ग भी होती है. तीसरा पॉइंट है उसका कि मेल्टिंग पॉइंट उसकी शॉर्ट होती है. अब है अमॉर्फस सॉलिड, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती और सेकंड पार्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है और थर्ड जो उसकी रेंज है वो शॉर्ट होती है. शर्मा, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है. लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है. आज खामोशी से पढ़कर और कल अपनी कामयाबी की कहानी लिखनी है. थाम के बैठिए. अब आपके सामने जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर अर्पित कोतवाल. तो इनके लिए तालियों में बनती है ना.
Kartal. This is Arpit Kotwal. And today my topic is unit cell. The smallest repeating part of a crystal lattice, which when repeated again and again in different directions in a three dimensional lattice. Types of unit cell. There are two types of unit cell: primitive unit cell and non-primitive unit cell. Those unit cell in which the lattice points are present at the corners of a unit cell is called primitive unit cell. Those unit cell in which the lattice points are present at the corner as well as some special points like face of the center and body. Center of the body, etc., is called as non-primitive unit cell. Types of non-primitive unit cell. First, body-centered unit cell. Body-centered. Those unit cell in which the lattice points are present at the corners of a unit cell as well as center of the body is called body-centered unit cell. Thanks to Mr. Arpit Kotwal. लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी भीतर खामोशी सही पर भीतर कहीं तूफान अभी बाकी है। जो कोई अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसका स्वागत है। मिस नेहा काटिल एंड स्पेशल थैंक्स माय टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बोलना चाहती हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैग्नेटिक सब्सटेंस अगेंस्ट ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस। अगर हम दो सब्सटेंसों को रब करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाते हैं। ओके, उसके बाद आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, इसकी हम इलेक्ट्रॉन अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर जो सब्सटेंस लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा उसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बोलेंगे एग्जाम्पल इसकी जो है अगर हम ग्लास रोड लेते हैं मतलब एक ग्लास रोड है और एक हमारे पास क्या है पीस ऑफ सिल्क उसको हम रब करते सर सब्सटेंस को हम रब करते हैं एक ग्लास रोड और पीस ऑफ सिल्क को तो जो ग्लास रोड है वो अक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज और जो सिल्क है वो करेगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पर हम सिंपल से बोलेंगे चार्जेस इज ऑफ टू टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टीज की आ गई हमारी चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी सिंपल सा है। उसके बाद आ गया चार्ज इज एडिटिव। चार्ज डज नॉट हमारी चौथी जो प्रॉपर्टी है चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज किसी भी मतलब कि बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। चार्ज इज इनवर्टिव। सो मैं आज का इतना सा ही टॉपिक बोलना चाहती थी। थैंक यू कोमल शर्मा जो इन्होंने इनवॉलेंटरी आके अपने व्यूज एक्सप्रेस किए तो इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। मेरा गिरना मेरी हार नहीं तू इंसान है कोई अवतार नहीं। तेरा गिरना मेरी हार नहीं तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल भाग दौड़ जिंदगी संक्षेप है इसका कोई सार नहीं। तो आपका सेक्शन काफी इंटरेस्टेड था एंड आई होप आप सबने खूब इंजॉय किया होगा। And thanks our sports, मैं नेहा काटल।